मैंने अभी पॉडकास्ट शुरू किया है नए चैनल पर, और उसमें ना 3 कैमरा का सेटअप रहता है। अब मेरे पास 2 कैमरा तो है, लेकिन मुझे 3रा कैमरा अपने दोस्त से मांगना पड़ता था। और उसके नखरे, कभी कभी तो मुझे वो धक्का मार के भगा देता था और कैमरा भी नहीं देता था। तो उससे बदला लेने के लिए मैंने सोचा क्यों ना एक नया कैमरा लिया जाए जो लेटेस्ट हो, अच्छा हो। तो मैं चला गया शॉप पर बेस्ट बजट कैमरा इन 2023 ढूंढने। इधर हमने बहुत सारे कैमरास देखे, लेकिन यहाँ आकर मुझे पता लगा कि बेस्ट कोई भी एक कैमरा नहीं होता है। हर यूज केस के लिए अलग बेस्ट कैमरा होता है। शॉप वाले भैया ने पहले तो मुझे बताया कि भाई 3 कैटेगरीज के कैमरा होते हैं, कैजुअल लाइफस्टाइल कैमरा, फोटो कैमरा और वीडियो कैमरा। लेकिन ये सब ना मेरे सर के ऊपर से जा रहा था, मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। तो मैं वापस घर आया, मैंने यूट्यूब खोला और वहाँ पे सर्च किया बेस्ट बजट कैमरा इन 2023। तो मुझे यहाँ पर ये वाला वीडियो दिखा। अब इसका थंबनेल मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा, तो मैंने इस पर क्लिक किया। और क्या तुम्हें ये पता है कि बजट कैमरास बहुत ही स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाए जाते हैं? मतलब एक बजट कैमरा से तुम सब कुछ परफेक्टली नहीं कर पाओगे, लेकिन हाँ वो किसी एक चीज को परफेक्टली कर सकता है। सबसे पहले अगर तुम अपने फोन से अपग्रेड करके एक डेली यूज के लिए कैजुअल कैमरा लेना चाह रहे हो जो तुम्हारे फोन से अच्छा काम करे, अच्छी फोटो एंड वीडियोस क्लिक करे और तुम्हारे पॉकेट में भी इजिली आ जाए, तो सोनी ने इसी पर्पस के लिए एक बिगिनर कैमरा बनाया है, सोनी ZV-1। ये एक बहुत ही कॉम्पैक्ट और स्लिम कैमरा है जिसका वेट आपके फोन के बराबर ही होगा। इसको आप कहीं भी पॉकेट या फिर बैग वगैरह में डाल सकते हो और इसको अपने पास हमेशा रख सकते हो। ये आता है एक 20 मेगापिक्सल के 1 इंच सेंसर के साथ जो किसी भी स्मार्टफोन से काफी अच्छा परफॉर्म कर सकता है, किसी भी स्मार्टफोन मतलब आईफोन से भी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। बट हाँ, इसमें एक फिक्स 20mm का लेंस अटैच्ड है जिसको आप चेंज नहीं कर सकते, मतलब आप जूम इन या जूम आउट नहीं कर सकते लेंस को। बट द गुड थिंग इज कि इसका अपर्चर F2 है, मतलब लो लाइट में भी काफी अच्छा काम करेगा और वो स्मूथ क्रीमी बैकग्राउंड ब्लर वाला इफेक्ट भी आपको दे देगा, जिससे आपकी फोटोज एंड वीडियोस बहुत ही सिनेमैटिक लगेगी। ब्लॉगर्स और ट्रैवलर्स के लिए ये कैमरा बहुत ही परफेक्ट है बिकॉज ऑफ 20mm फोकल लेंथ जो कि बहुत ही वाइड है, बिल्कुल GoPro जैसा लेकिन हाई क्वालिटी। ऑल्सो इसमें फ्लिप आउट स्क्रीन भी है जो व्लॉगर्स के लिए काफी परफेक्ट है क्योंकि तुम रिकॉर्ड करते हुए खुद को देख सकते हो, जो फोन के बैक कैमरा में पॉसिबल नहीं है। एंड इसमें इनबिल्ट माइक भी है जो आपकी ऑडियो को काफी अच्छे से रिकॉर्ड कर सकता है, आपको एक्सटर्नल शॉटगन माइक्स लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये 4K वीडियोस को 24 and 30 FPS पे शूट कर सकता है। एंड इसमें सुपर स्लोमो का फीचर भी है 120 FPS वाला जो कि आपको स्मूथ स्लो मोशन वीडियो दे सकता है। भाई स्लो मोशन में पता नहीं ऐसा क्या होता है यार, हर चीज ना सिनेमैटिक लगती है। फोटो फीचर्स भी काफी सही हैं इसके, ये 16 फ्रेम पर सेकंड की रफ्तार से फोटोज को क्लिक कर सकता है जो कि काफी ज्यादा है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है कि ये रॉ फोटोज को क्लिक नहीं कर पाता है क्योंकि ये स्पेशल फोटो कैमरा नहीं है। इसके अलावा एक और जो कमी मुझे इसमें लगी वो है ये 20mm की फोकल लेंथ जो फिक्स है, मतलब बाकी लेंसेज को अटैच नहीं कर सकते और ना ही जूम इन कर सकते। देखो अगर तुम्हें ये कैमरा बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है बस वो फिक्स फोकल लेंथ के अलावा, तो उसके लिए तुम थोड़ा सा अपग्रेड करके सोनी का ZV-E10 ले सकते हो जो बेसिकली सेम ही कैमरा है, बस उसमें तुम लेंसेज को अटैच कर सकते हो और प्रोफेशनल लेंसेज को लगा सकते हो। तो ये बन जाता है एक परफेक्ट लाइफस्टाइल कैमरा, पर अगर तुम सीरियस फोटोग्राफी करना चाहते हो तो ये कैमरा तुम्हारी प्यास नहीं बुझा पाएगा। लेकिन सेम बजट में तुम एक परफेक्ट फोटोग्राफी कैमरा भी ले सकते हो। अब देखो कुछ लोग चाहे मेरी बात से एग्री ना करें, बट अकॉर्डिंग टू मी द बेस्ट बजट फोटोग्राफी कैमरा इज स्टिल कैनन 200D। क्या कमी है भाई इस कैमरा में? इसमें 24 मेगापिक्सल का सेंसर आता है जो ऑलमोस्ट सभी प्रोफेशनल कैमरास में रहता है। हाँ बस ये क्रॉप सेंसर है। कैनन के EF लेंसेज 20-30 सालों से बनते आ रहे हैं, तो मतलब आपके पास बहुत सारी चॉइसेस है लेंसेज की, आप इसमें कोई भी लेंस अटैच कर सकते हो और कैनन के EF वाले लेंसेज काफी सस्ते भी आ जाते हैं। और इसमें तुम रॉ फोटोज को भी क्लिक कर सकते हो 4 फ्रेम्स पर सेकंड की स्पीड से, जो कि थोड़ी सी लो है, फास्ट मूविंग शॉट नहीं ले पाओगे, बट पोर्ट्रेट्स, लैंडस्केप या फिर नेचर वाली फोटोज के लिए काफी परफेक्ट कैमरा है। मैंने खुद इसको भाई 3-4 साल यूज किया एंड अभी मेरे पास ये कैमरा पड़ा हुआ है। एज आई टोल्ड यू ये परफेक्ट फोटो कैमरा है, लेकिन वीडियो भी ये डिसेंट कर ही लेता है। अभी कैनन 200D का जो मार्क 2 आया ना, उसमें आप 4K वीडियो तक भी शूट कर सकते हो 24 FPS पे और फुल HD वीडियोस को आप 60 FPS तक शूट कर सकते हो, लेकिन उसका ऑटो फोकस इतना बढ़िया नहीं है। फोटो के लिए इसका ऑटो फोकस बहुत ही परफेक्ट है और इसमें काफी कन्वीनियंट फीचर्स भी हैं जैसे फ्लिप आउट स्क्रीन और फुल टच स्क्रीन और वाईफाई कनेक्टिविटी, सॉलिड बॉडी है एक जो फील होता है कि हाँ भाई हाथ में कुछ कैमरा पकड़ा हुआ है। वैसे वीडियो भी इसे तुम काफी अच्छी बना सकते हो, मैंने खुद 3-4 साल से वीडियो बनाई है और खासकर स्टिल फ्रेम्स पे ये बहुत ही परफेक्ट काम करता है। एनीथिंग को तो आप लोग जानते ही होंगे, उनकी वीडियो क्वालिटी कितनी टॉप नॉच रहती है और वो कैनन 200D का यूज करते हैं। सो इट डिपेंड्स कि तुम इस कैमरा का यूज कैसे करते हो। ये वन ऑफ द मोस्ट सेलिंग कैमरा है फोटोग्राफी के लिए। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनको सिर्फ वीडियो के लिए कैमरा चाहिए, स्पेशली बजट फिल्म मेकिंग कैमरा चाहिए। नो डाउट अगर आप वीडियो कैमरा देख रहे हैं तो आपको एक मिररलेस कैमरा लेना चाहिए क्योंकि उनमें ज्यादा बेहतर ऑटो फोकस और लो लाइट परफॉर्मेंस मिलता है। देखो एक वीडियो कैमरा में ना सिर्फ वीडियो क्वालिटी मैटर नहीं करती, और भी बहुत सारी चीजें ऐड हो जाती है जैसे स्टेबलाइजेशन, गुड ऑटो फोकस और गुड ऑडियो क्वालिटी, और ये सब एक कैमरा बहुत अच्छे से कर लेता है, Nikon Z30। ये एक 20 मेगापिक्सल का क्रॉप सेंसर मिररलेस कैमरा है। अब वैसे तो 20 मेगापिक्सल काफी कम है कंपटीशन के मुकाबले, जैसे कैनन 200D में 24 मेगापिक्सल आता है,
बट लेट मी टेल यू, अगर हम स्पेशली वीडियो की बात करें तो कम मेगापिक्सल से आपका ही फायदा है। मतलब जितना कम मेगापिक्सल का नंबर होगा ना, उतनी ज्यादा बेहतर आपको लो लाइट परफॉर्मेंस मिलेगी। इसीलिए तो सोनी का जो टॉप नॉच वीडियो कैमरा है मार्केट में, सोनी A7S4, वो सिर्फ 12 मेगापिक्सल का है, लेकिन उसकी वीडियो क्वालिटी टॉप नॉच है। Nikon Z30 4K के वीडियोस को 30 FPS पे शूट कर सकता है, और फुल HD में तो ये स्लो मोशन वाले शॉट्स भी ले सकता है 120 FPS वाले। इसका ऑटो फोकस और वीडियो क्वालिटी तो अच्छा है ही, लेकिन इसमें फोटो के लिए भी बहुत सारे फीचर्स हैं। ये 11 फ्रेम्स पर सेकंड की स्पीड से आपकी फोटो को क्लिक कर सकता है, जो कि बहुत ज्यादा है, और इसमें रॉ फोटोज का ऑप्शन भी है। ये कैमरा मेरे ख्याल से दी बेस्ट है वीडियोग्राफी के लिए और बिगिनर फोटोग्राफी के लिए भी। वैसे इन सभी कॉम्पिटिटर्स को देखते हुए कैनन ने भी अभी एक नया कैमरा अनाउंस किया है, कैनन R50, जो कि बेसिकली कैनन M50 का ही अपग्रेड है। ये भी मिररलेस कैमरा है एंड आई थिंक वीडियो के लिए ये भी बेस्ट कैमरा हो सकता है, और इसका बजट भी अराउंड 50-60,000 ही है, तो इसको भी आप कंसीडर कर सकते हो, ये भी एक बेस्ट चॉइस हो सकती है। बट इसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये कैमरा भी ऑफिशियली मार्केट में आपको कहीं मिलेगा नहीं, क्योंकि अभी ये लॉन्च नहीं हुआ है। तो इसके लिए मेरे ख्याल से आपको 3-4 महीने वेट करने पड़ेंगे, तो हो सकता है 3-4 महीने में ये कैमरा आपके आसपास दिखने लग जाए। तो ये थे भाई बेस्ट बजट कैमरा अंडर 50-60,000। अगर आप अपना पहला कैमरा लेना चाह रहे हैं तो इनमें से आप कोई भी एक कैमरा उठा सकते हैं बेस्ड ऑन योर यूज केस, एंड ये डिपेंड करता है कि आपको कौन से ब्रांड के कैमरा अच्छे लगते हैं, सोनी, कैनन या फिर Nikon। बाकी ब्रांड से इतना फर्क नहीं पड़ता है, आप जस्ट कैमरा के फीचर्स देखो कि आपको कौन से फीचर्स चाहिए एंड उस हिसाब से बेस्ट कैमरा पिक कर लो। एंड अगर आप इनमें से कोई भी कैमरा लेना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है सभी कैमराज के, एफिलिएट लिंक है अमेजन के, आप उनसे बाय कर सकते हो, थोड़ी बहुत मेरी हेल्प हो जाएगी। और पहली बार एफिलिएट डाल रहा हूँ भाई, चेक कर लेना। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर से बताना। एंड अगर आपको कैमरा चलाना नहीं आता है तो ये वाली वीडियो देखो यार, सिर्फ 5 मिनट में आपको पूरा कैमरा चलाना सिखा दूंगा, तो मेक श्योर टू चेक इट आउट।